नाउन आता है या प्रोनाउन आता है। जिन बच्चों को ये बात समझ में नहीं आई उनके लिए मेरे पास ये है कि प्रेपोजिशन कहता है कि भैया मैं, प्रेपोजिशन ने कहा कि मैं केवल या तो नाउन से शादी कर सकता हूं या प्रोनाउन से शादी कर सकता हूं, ठीक है जी। तो प्रेपोजिशन एक तरीके से कन्हैया है, या तो राधा या कौन थी उनकी जो दूसरी थी वो क्या नाम है, रुक्मणी थी क्या नाम था, हाँ जी, तो या तो नाउन या प्रोनाउन। लेकिन एक दिन क्या हुआ, हाँ जी, प्रपोजिशन का नाम रख देते हैं, क्या नाम रखें बता, गोपाल, गोपाल, और इसका नाम रख देते हैं ल्यूशी। हिंदी का नाम नहीं रखते हैं, देखो हिंदी में क्या पता किस कन्या का नाम हो जाए, है ना। और प्रोनाउन से पी फोर कुछ भी ले लो, पीयूषी, पी यू सी वाई, ल्यूशी एंड पीयूषी। तो गोपाल हमारे जो है भाई साहब, गोपाल साहब कहते हैं भैया मेरा जो विवाह है वो सिर्फ दो ही लोगों से हो सकता है, या तो ल्यूशी से या पीयूषी से, ठीक है। लेकिन इन गोपाल साहब का जो रिश्ता है, एक दिन पिताजी विदुषी से ले आए, वी फॉर विदुषी। कहने का मतलब है कि एक दिन वो रिश्ता लेके आ गए प्रेपोजिशन का, किसके साथ, वर्ब के साथ। उन्होंने कहा देख इज्जत की बात है और ये शादी जो है तुझे वर्ब से ही करनी पड़ेगी, यानी कि विदुषी से ही करनी पड़ेगी। अब लड़का क्योंकि प्रेम में पागल था, प्रेम तो भैया उसे यहीं पर है, या तो किससे है बताओ जल्दी से, ल्यूशी से या पीयूषी से, तो उसने कहा दोनों से करा दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और दोनों में से एक से करा दो तो भी कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं है, प्रेम दोनों से है मुझे, कृष्ण ने भी तो दोनों से किया था, ठीक है। लेकिन पिताजी ने कहा नालायक हमारी बात सुन, तुझे जो विवाह है वो वर्ब से करना पड़ेगा, विदुषी के साथ करना पड़ेगा। लड़के ने कह दिया कि तुम कुछ भी कर लो लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, मैं मर सकता हूं लेकिन इससे शादी नहीं करूंगा, या तुम एक काम करो इनमें से किसी से भी करा दो या दोनों से करा दो, मैं मान जाऊंगा। अब पिताजी के सामने घोर समस्या, पिताजी कहने लगे भाई मेरा लड़का, लड़के ने चेतावनी दे दी, बोला मर जाऊंगा नहीं तो देख लो। अब घोर समस्या में आ गए पिताजी, गोपाल देख ले अगर कोई गोपाल है, गोपाल अड़ गया इस बात पे, विदुषी से शादी करने को तैयार नहीं। तो पिताजी ने कहा कि बेटे बाप तो तेरा मैं ही हूं, बाप बाप होता है, ठीक है, वो कुछ भी कर सकता है। पिताजी ने कहा कि चल बेटे गोपाल जब तेरी ऐसी इच्छा है तो मैं एक काम करता हूं, हम तेरा विवाह कराएंगे तो विदुषी से ही, लेकिन हमने इसमें आईएनजी लगा क्योंकि तू विदुषी को तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, विदुषी में आईएनजी लग गया तो ये किसका रूप ले लिया बताओ जल्दी से, ल्यूशी का या पीयूषी का, जल्दी बताओ। वर्ब में जैसी आईएनजी लगा वो क्या बन गया, नाउन, और नाउन क्या थी, ल्यूशी। तो शादी तो आखिर में किससे ही हुई, ल्यूशी से, बट करा किसकी थी, पीयूषी की, विदुषी की। अगर विदुषी की शादी करानी है प्रपोजी गोपाल के साथ तो आपको उसे क्या बनाना पड़ेगा, ल्यूशी बनाना पड़ेगा। क्या हम इसका पीयूषी बना सकते हैं, पीयूषी का मतलब है प्रोनाउन बना सकते हैं, वर्ब में आईएनजी लग के कभी प्रोनाउन नहीं बनता। तो मेरे दोस्तों प्रपोजिशन के बाद अगर कभी वर्ब आए ना तो उसका आईएनजी बनाना पड़ेगा, क्यों बनाना पड़ेगा, गोपाल नाराज हो जाएगा, वो कहता है मैं तो अपने पीछे नाउन या प्रोनाउन ही लूंगा, और नाउन या प्रोनाउन आईएनजी इज इक्वल टू जिरेंड। शादी संपन्न हुई ल्यूशी के साथ, हैंस प्रूव्ड।
आप इस शादी में आए, इस शादी में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, खाना खाकर जाइएगा। सर इतना बकवास क्या समझा रहे हो, मतलब मजा भी लेना है, ये वो लोग हैं शादी में मजा भी लेना, और पता है लास्ट में क्या कहते हैं, खाना अच्छा नहीं। बेटे अब मैं वो वाला संजीव नहीं रहा जिसको पहले ना टीचर्स कुछ भेजते ना एजेंट, जाओ मजा आ रहा क्लास में, बच्चे खतरनाक तरीके से पढ़ रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है, जाओ बर्बाद करके आओ। अब इतनी देर में पहले अगर मैं होता ना तो अभी भावुक होके कुछ ना कुछ बोलने लग जाता, अबे जब तू यहाँ नालायक आदमी पढ़ क्यों रहा है यहाँ पे, पढ़ना भी तुझे यही है क्योंकि तेरे को पता है तेरे आका जो है ना वो तुझे पढ़ा भी नहीं सकते, और आके यहाँ ये भी हरकतें करनी है। खैर छोड़ो, आ जाओ वापस आ जाओ। हाँ भाई बच्चों, हमारी बारात में बताओ कैसा मजा आया।